हम सुखराम और पूरा झारखंड का नेता को बोल रहे, पूरा झारखंड का हेमंत सोरेन से चालू करेगा, हेमंत सोरेन से चालू करेगा, उनके उनके फादर से चालू करेगा, सुबो सोरेन से है? सब चोर वालों गए लोग, झारखंड का नेता लोग सब अपना गोटी, खाली बोर्ड, खाली बोर्ड और गरीब लोग ही बर्बाद हो रहा है। अबे तुम 500 रुपया भी ला के देता कि बेटा अपना गाड़ी में अपना सामान ले जा, तब ना मानते नेता था। अब मेरा नाम मोहम्मद कमरुद्दीन बाबू भाई बोलता है बेटा, ठीक है ना, सब पहचानता है, बोल लीजिएगा जाके, ठीक है ना। कहाँ से चालू करे बोलिए, कहाँ से चालू करे बोलिए। सबसे बड़ा धोखाबाज तो ये अशरफ, अशरफ सबसे बड़ा धोखाबाज अशरफ है। वो फेकू साव है जो हम लोगों वादा करके किया कि बेटा इधर से नहीं जाएगा ये गाड़ी। आज बोलता नेता है, ठीक है बाबा, नेता है ना, ठीक है, ठीक है, निकालिए ना अंदर की रोटी, निकालिए ना, कौन कौन जाएगा देखते ना, इधर से कौन कौन जाएगा देख रहे, निकालिए नेता, निकालिए इधर से रोड, ठीक है ना, बढ़िया से वीडियो बनाइए, पूरा सर्च कीजिए, भगवान नाम है मोहम्मद कमरुद्दीन, आईजीडी, एएसपी, डीएसपी, हवलदार, जिम्मेदार, सबका काम करके हम बड़ा हुए, समझे, हर नेता का काम करके बड़ा हुए, हर घर में पहुंच के हम बड़ा हुए, समझे, सबका काम किए, क्या बुरा किया, आज हमारा घर टूट रहा कोई नहीं आया है, जट तो सिपाही भेज दिए कुपले है। मेरा एक ही मांग है, हम लोग थोड़ा ध्यान दीजिए बस, और कुछ नहीं, जितना दरकार है उतना लीजिए, ठीक है ना। अभी चकरदरपुर के इस फकीर मोहल्ला का एरिया, मुजाहिद नगर का जो एरिया है, वहां से मैं लाइव हूं, कुछ देर पहले भी मैं लाइव था, आप देख रहे हैं यहां पे सामने ओवर ब्रिज है और ये फाटक बंद हो गया है। ये सारा मामला क्या है मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये सामने आप देख रहे होंगे कि ये जो फाटक है वो बंद हो चुका है, और इस फाटक को बंद हुआ सामने ओवर ब्रिज बना। ओवर ब्रिज में इश्यूज ये आ रहे थे कि ये ओवर ब्रिज लगभग 1 किलोमीटर लंबा है और लोगों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ये जो इस मोहल्ले का और इसके बाद का जो मोहल्ला है, कनेक्टिविटी वहां से जीरो हो गई थी, कनेक्टिविटी टूट गई थी। अगर बच्चे को शिशु मंदिर जाना है तो उनको 1 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा था, और अगर बच्चे को उर्दू स्कूल उधर से इधर आना है तो उनको 1 किलोमीटर घूम के आना था। इसमें आवाज उठी, जनता की आवाज थी कि अंडरपास बनाया जाए। अंडरपास के लिए 3 साल का लड़ाई शहरवासियों के द्वारा लड़ा गया, माननीय विधायक और जितने भी लोग हैं उन लोगों के लड़ाई के बाद अंडरपास शहर को मिला, अंडरपास का काम लगा। अब अंडरपास निकलने की बारी थी कि अंडरपास निकले तो कहां से निकले। उसके दौरान में ये जगह डिसाइड हुआ कि ये जो अंडरपास है वो इस एरिया से निकलेगा। अब जब अंडरपास उस एरिया से निकलने की बात हुई तो उसमें रेलवे के जो क्षेत्र है उससे अंडरपास बनता, जिसपे रेलवे के जो क्षेत्र है उसमें लोगों के द्वारा अवैध रूप से रहा जा रहा था, गरीब लोग थे, काफी दिनों से रहा जाता है, और ये पूरे हिंदुस्तान में रहा जाता है, सिर्फ ये हमारे एक की चकरदरपुर की बात नहीं है। लोगों को जो परेशानी होती है वो देखिए, अंडरपास नहीं होने से लोग इस तरह से पार होते हैं, ये भी पूरी तरह से अवैध है, लोग ऐसे पार होते हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरह से लोग पटरी जो पार करते हैं ये पूरी तरह से अवैध होता है। और इसमें जो है हर महीने ये खबर आती थी कि लोग यहाँ से तो गुजरते थे तो कभी उनका मतलब के जान जाने की खबर आती थी, हमने आपको रेगुलर दिखाया। इससे पहले आगे जो आप सामने पुल देख रहे होंगे वहां एक साथ 3 लोगों की दुर्घटना हुई थी, 3 लोगों की जान गई थी, और ऐसे लोग इस तरह से पार करते हैं, क्योंकि जो लोग पैदल होते हैं या साइकिल से होते हैं उनको 1 किलोमीटर की दूरी जो है पार करने में काफी कठिनाई होती है। ये कॉमन सी बात थी, ये जो चकरदरपुर के लोग हैं आम चीज है, सभी को पता है ये सारी चीजें, उसको लेकर के अंडरपास की मांग हुई और अंडरपास का काम शुरू हो गया, जिसमें रेल प्रशासन के द्वारा फंड नहीं दिया गया, मतलब रेल की तरफ से फंड नहीं दिया गया। हिंदुस्तान में मेरे नॉलेज में पहली बार ऐसा हुआ था कि रेलवे को जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फंड दिया गया,
लगभग 3 करोड़ 60 लाख के आसपास, लगभग अगर मैं कहूं तो 4 करोड़ का ये फंड दिया गया रेलवे को अंडरपास के लिए, और अंडरपास का टेंडर हुआ, काम लगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग लाइफ से जुड़े हैं, जो लोग को ये पता नहीं है कि आज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो मैं उनको बताता हूँ। तो इस जगह में आगे अगर आप देखेंगे सामने उस तरफ में, तो वहां पे जो है अंडरपास का काम लग गया। अब अंडरपास का जब काम लगा तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को भी हटना पड़ेगा, क्योंकि अगर हटेंगे नहीं तो रोड कैसे बनेगा। तो जो हमारे राइट साइड का जो एरिया है, अगर आप इधर से जो जेसीबी देखेंगे तो वहां पे लोग ऑलरेडी जो है वहां से लोड शिफ्ट कर चुके, मतलब कि वहां पे लोग रहते हैं, कुछ लोग हैं जो रह रहे हैं। और इधर जो लेफ्ट साइड का एरिया है, जो इस एरिया से जो अंडरपास निकलेगा, वहां पे जो है खाली है। तो रेलवे के द्वारा जो है पिछले 3 महीने से नोटिस दिया जा रहा है, नोटिस सर्व किया जा रहा है कि आप लोग खाली कर दें। पिछले 2 दिन भी ये बोला गया कि अब फाइनली वो दिन आ गया है कि आज के 12 बजे से लेकर के जो है अवैध रूप से जो मकाने हैं उनको हटाया जाएगा। तो देखा ये जा रहा है कि 70% जो मकाने हैं वो खाली हो चुकी है, कुछ 20-30% है जिनके जो जरूरी सामान है उनको हटाया जा रहा है, और जेसीबी लगा हुआ आरपीएफ के जवान यहाँ पे मौजूद है। और अब है कि क्लियर करने की दौर है, एक बार जो स्टार्ट होगा यहाँ से, और स्टार्ट होने के बाद 1-1.5 घंटे के अंदर मुझे लगता है कि ये जो जेसीबी के द्वारा जो है क्लियर किया जा सकता है। तो ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन है जिला प्रशासन, अब देखिए कि जिला प्रशासन की भी गाड़ी यहाँ पे पहुंच चुकी है, पुलिस प्रशासन भी आ गई है, जिला पुलिस आ गई है, और एसडीएम मैम का भी शायद आने का था। तो ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन है रेल पुलिस प्रशासन के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, उनके द्वारा ये ऑपरेशंस को किया जाएगा और करके ये अंडरपास के लिए इसको क्लियरेंस दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये संभव होगा कि जल्द से जल्द जो है शहरवासियों को अंडरपास का तोहफा दिया जा सके। तो जब एक डेवलपमेंट होता है तो उसके पीछे कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ लॉसेस भी होते हैं, जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और चकरदरपुर थाना के प्रभारी जो है चंद्रशेखर सर भी यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो इससे पुलिस प्रशासन के लोग पहुंच गए हैं। और ये अब जो है यहाँ से जो है उम्मीद जताया ये जा रहा है कि ये जो ये है, मतलब कि अब जो यहाँ का जो ऑपरेशंस होगा वो जल्द शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है आरपीएफ के जो जवान हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और उसके साथ साथ जो है जिला प्रशासन के भी लोग पहुंचे हुए हैं। क्या मामला क्या है जिनादा? मामला एकदम क्लियर है कि सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, रेलवे ओवर ब्रिज बना है ना, रेलवे ओवर ब्रिज बनने के बाद प्रॉब्लम ये आया कि लोगों को 1 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा था, तो परेशानी हो रही थी। शिशु मंदिर के बच्चे को 1 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा था, उर्दू स्कूल के बच्चे को घूम के जाना पड़ रहा था। तो अब इसमें आवाज ये उठी कि शहर में एक अंडरपास होना चाहिए था। तो पहली बार देखा यह गया कि रेल प्रशासन को जो है स्टेट गवर्नमेंट पैसा दी अंडरपास के लिए, लगभग 4 करोड़ रुपया। उसके बाद क्या हुआ कि अंडरपास के लिए जमीन की स्वीकृति हुई और जगह बनाया गया। तो जगह जो बनाया गया उस एरिया में रेलवे का वो एरिया है, ठीक है, और वहां पे जो है अवैध रूप से काफी लोग बरसों से 100 साल से ज्यादा से रह रहे हैं। तो अब जो रेलवे को जरूरत है तो उस पे क्या है कि लोगों को हटाया जा रहा, पिछले 3 महीने से नोटिस सर किया गया था, 3 महीने से दिया गया था। तो देखा यह जा रहा है कि 70% लोग जो ऑलरेडी हट चुके हैं, कुछ 30% है जो आज जो है ज्वाइंट ऑपरेशन जिला प्रशासन और रेल प्रशासन के द्वारा किया जाएगा और उनको, हाँ, उनको हटाया जाएगा। तो वही का इतना जो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें उन्हीं का है जी, ये शॉर्ट्स में था। तो आप जिनादा भी पहुंच चुके हैं, तो ये सारी चीजें हमने बताई आपको कि अब 2-3 गाड़ी है जिला प्रशासन की भी है, और हमारे रिपोर्टर साहब प्रवीण प्रजापति जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, काफी गहराई से ये आप लोगों को सूचना देते होंगे, प्रवीण हमारे साथ जो हमेशा रहते हैं। तो आज का जो पूरा अपडेट है, हम उम्मीद करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि आपको जो है पूरा अपडेट्स दिखाया जा सके। तो आप सीकेपी लाइव से बने रहें, हम एक पूरा विस्तार पूर्वक आपको पूरा ये, जबकि इस पूरे मामले पे हमारी पूरी नजर बनी हुई है, तो हमने आपको कोशिश की कि
कि पूरा मामला जो है एकदम रूट लेवल पे बताया जाए। तो हमने आपको पूरा मामला रूट लेवल पे बताया कि ये चीजें हो रही हैं और ये चीजें जो है वो हो सकती है। तो अभी जो है जिला प्रशासन और रेल प्रशासन की जो पुलिस बल है वो यहाँ पे पहुंची हुई है। अब जो है उम्मीद बताया जा रहा है, उम्मीद दिखाया जा रहा है कि कुछ देर के बाद जो है जो बाकी जो एरिया है उसको भी क्लियर किया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर से एक बार आपके साथ लाइव बनेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड सिक्योरिटी लाइव।